हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यदि आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। और यदि आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो उसे भी आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। पहला क्वेश्चन है आज के लिए कि निम्न में से प वर्ग का जो व्यंजन है वो कौन इनमें से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। ठीक, तो प वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं प, फ, ब, भ और म। ठीक है, तो इसमें से जो य है ये प वर्ग का व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो पहला व्यंजन आपको जो दिया है वो दिया है ध्य, तो ये द प्लस य को मिलकर बनता है। दूसरा दिया है ज्ञो, तो ये ज प्लस य को मिलकर बनता है, तो ज्ञों और क्ष, तो वो क और क्ष को मिलकर बनता है। तो ये तीनों जो है ये संयुक्त व्यंजन है। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है घ, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये एक सिंगल व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। इसमें आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो आपको जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो चार दिए हुए हैं। पहला, मैंने कपड़े पहनने हैं। दूसरा, मुझे कपड़े पहनने हैं। तीसरा, मेरे को कपड़े पहनने हैं। और चौथा, मुझे कपड़े पहनना है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है, मुझे कपड़े पहनने हैं, ये इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो उसके लिए जो वन वर्ड है, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो क्या होगा? तो जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है उसमें जो उसके लिए जो एक वर्ड होगा वो होगा ऊसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लक्षणा है। तो लक्षणा क्या है? शब्द शक्ति है, शब्द सामर्थ्य है, अर्थ शक्ति है या अर्थ गुण है? तो लक्षणा जो है वो शब्द शक्ति होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? तो जो हिंदी भाषा की लिपि होगी वो रोमन है या देवनागरी है या फारसी है या संस्कृत है? तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, और जो इंग्लिश है उसकी लिपि होती है रोमन। और संस्कृत की लिपि पूछा जाए तो संस्कृत की लिपि भी जो होती है वो देवनागरी ही होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। तो प्रत्येक शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो प्रति प्लस एक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रति प्लस एक इक्वल टू प्रत्येक, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सूर्योदय में संधि है, तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो ये सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। ठीक है, तो इसमें जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो दोहे की दूसरी और चौथी पंक्ति में जो मात्राओं की संख्या होती है वो होती है 11, और पहली और तीसरी में यदि पूछा जाए कितनी होती है तो वो होती है 13। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो इसमें से मक्खन का पर्यायवाची आपको बताना है, तो मक्खन का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा नवनीत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, अग्नि शब्द का जो तद्भव है वो क्या होगा? तद्भव मतलब अशुद्ध शब्द। ठीक है, जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं उसे तत्सम बोलते हैं, जो हिंदी के शब्द या फिर जो बिगड़ के बनते हैं जो शब्द, जो कुछ बिगड़ के उनका रूप थोड़ा चेंज हो चुका होता है उसे बोलते हैं तद्भव। तो तद्भव शब्द आपको बताना है, तो जो आग है वो इसमें तद्भव शब्द है। ठीक है, और उसका तत्सम होता है अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मछली के समान आंखों वाली जो है उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मछली के समान आंखों वाली जो है उसे बोलते हैं हम मीनाक्षी, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? तो अर्धविराम का चिन्ह आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एक कॉमा दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो है अल्पविराम। सेकंड जो है वो है पूर्ण विराम। थर्ड जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह, और फोर्थ वाला जो है वो है अल्पविराम। नेक्स्ट, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अनुप्रास है, तो अनुप्रास कौन सा अलंकार है? अर्थ अलंकार है, शब्द अलंकार है, उभय अलंकार है, इनमें से कोई नहीं है। तो अनुप्रास जो अलंकार होता है वो शब्द अलंकार के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। तो चारा फेंकने का अर्थ क्या होता है? भ्रमित करना होता है, प्रलोभन देना होता है, या पशु को घास देना होता है, या फिर सिर में गठरी उतारना होता है, सिर से गठरी उतारना होता है। तो चारा फेंकने का मतलब होता है कि किसी को कुछ प्रलोभन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आपको एक सेंटेंस दिया है कि वे सज्जन पुरुष कौन है? तो इसमें आपको जो अनावश्यक शब्द है वो बताना है।
तो वे सज्जन पुरुष कौन है? तो सज्जन लिखा हुआ है तो पुरुष होंगे ही, अपने आप इसमें पता चल रहा है। तो जो पुरुष वाक्य वर्ड है इसमें, पुरुष शब्द है, वो इसमें अनावश्यक है, ठीक है। तो वे सज्जन कौन है, ये इसका एक्चुअल वर्ड जो जो सेंटेंस है वो होना चाहिए था, वे सज्जन कौन है, ठीक। तो पुरुष जो होगा वो इसमें गलत होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी में सही होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तुरंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो तुरंग का मतलब होता है, जो उसका पर्यायवाची होता है वो घोड़ा होता है, मतलब घोड़े का पर्यायवाची तुरंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपको इसमें से सही शब्द चुनना है। तो अनिष्ट होता है, अनिष्ट होता है, या अनिष्ट होता है, या अनिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें सही है, अनिष्ट, ठीक। तो अनिष्ट जो है वो इसका सही, जो इसकी स्पेलिंग है वो होती है, सही वर्तनी जो है वो अनिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन है? जो राम की शक्ति पूजा नामक एक उपन्यास है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है निराला ने, या फिर महादेवी वर्मा ने, या नागार्जुन ने, या केदारनाथ ने। तो वो लिखा है निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमचंद का जो देहावसान हुआ वो कब हुआ? 1948 में, 1936 में, 1942 में, या फिर 1930 में? तो प्रेमचंद का जो देहावसान हुआ था वो हुआ था 1936 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए सही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।